एनालिसिस का चैप्टर शुरू करेंगे तो इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ बताऊँ, हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी कि ग्रुप ग्रुप के लिए हमारे पास था कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट था, उसमें हमारे पास एक ऑपरेशन थी, उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते थी तो हम कहते थे कि वो सेट है, वो एक सेट हमारे पास ग्रुप बनता है। यहाँ पर इसमें थोड़ी सी चीज़ अलग है कि हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसको हम कहें कि एक हमारे पास एक ऐसा भी नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कम से कम दो एलिमेंट हो और दो एलिमेंट के साथ साथ हमारे पास एक द्विआधारी संख्याएं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों उसमें परिभाषित हो और उन दोनों संक्रियाओं के लिए यदि कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं तो उस सेट को हम कहते हैं वो फील्ड बन गया। तो फील्ड के लिए पहली शब्द क्या है कि पहला ये है कि पहली ऑपरेशन जिसको हम एडिशन कहते हैं, इस एडिशन के लिए वो कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, यानी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी पाँचों प्रॉपर्टियाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहाँ तो ग्रुप बन गया, पर पांचवी प्रॉपर्टी यदि कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई होती है तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाता है। तो हम कहेंगे एफ इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके लिए एक एक बात है, पहला क्या है, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी या संवर्त जिसको हम कहते हैं, इसके लिए हम क्या करना है, जो दिया गया सेट है उसके कोई दो एलिमेंट ले लो और उन दोनों एलिमेंट के बीच में पहले वाली ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं एडिशन, वो ऑपरेशन लगाने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट वापस उसी एफ का मेंबर होता है, तो हम कहते हैं कि जो दिया गया सेट है वो इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है। तो ए बी यदि एफ के कोई दो एलिमेंट है और ए प्लस बी वापस यदि एफ का एलिमेंट आता है तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हम क्या करना है, एसोसिएटिविटी हमारे को तीन एलिमेंट चाहिए, कि मान लीजिए हमारे पास ए बी सी एफ के कोई तीन एलिमेंट है और इन तीन एलिमेंट्स को यदि हम इस प्रकार से करें, पहले बी और सी को जोड़ें और उसके बाद उसमें ए ऐड करें और दूसरे पार्ट में यदि पहले हम ए और बी को जोड़ें फिर उसमें तीसरे को जोड़ें, यदि इनका जोड़ आपसे बराबर आता है तो हम कहेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। यदि जनरली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई एडिशन के लिए हो जाती है। अगला हमारे पास आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का अस्तित्व है या नहीं है, आइडेंटिटी हम उसको कहते हैं किसी भी सेट के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एलिमेंट होता है यदि किसी भी एलिमेंट के साथ दी गई ऑपरेशन उस आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करें तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम एलिमेंट आना चाहिए। तो जैसे कि ऑपरेशन हमारा एडिशन है तो मान लीजिए यदि हमारे पास देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू एफ, तो जीरो कैसा होगा, सच दैट इस जीरो को किसी भी एलिमेंट में जोड़ें तो वापस यदि सेम एलिमेंट आता है, यदि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए एंड जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ऑल्सो ए, यानी जीरो को लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जोड़ने पर यदि मान ए ही आता है तो हम कहते हैं कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड और जीरो उस सेट के लिए उस दी गई ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब चौथा जो हमारे पास आता है वो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। किसी एलिमेंट का इनवर्स वह एलिमेंट होता है यदि दोनों एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास यदि आइडेंटिटी है तो हम कहते हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे का इनवर्स है। यानी क्या, मान लीजिए हमारे पास, मैं ये कहता हूँ कि सपोज देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एफ, बी किस प्रकार का है, बी ऐसा है कि यदि बी को ए के साथ ऑपरेट करें यानी बी में ए जोड़ें या ए में बी जोड़ें और यदि उत्तर मेरे पास जीरो आता है तो मैं ये कहता हूँ बी है वो ए का एडिटिव इनवर्स है। यानी इनवर्स वह एलिमेंट रहता है इसको यदि किसी एलिमेंट के साथ दी गई क्रिया, यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन जीरो एडिशन है, यदि दोनों अप्लाई करने पर यदि उसका रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी आता है तो मैं ये कहता हूँ कि दिया गया जो सेट है वो इस दी गई ऑपरेशन के लिए जो एलिमेंट है वो उसका इनवर्स है, तो बी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। पांचवी प्रॉपर्टी है वो यह है, इसको कम्यूटेटिव प्रूव करना है। तो कम्यूटेटिव के लिए मान लीजिए मेरे पास ए और बी कोई दो एलिमेंट है किसके, एफ के, यदि इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाई जाए यानी ए प्लस बी और यदि इनका ऑर्डर बदल करके भी ऑपरेशन लगाया जाए दैट इज बी प्लस ए और यदि दोनों मान बराबर आते हैं
तो मैं कहता हूं कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो इस प्रकार से पांच ये प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई होती है। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास जो नॉन एम्प्टी सेट F था वो इस ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप है। फील्ड को दूसरी प्रॉपर्टी अपन ये लेंगे कि जो सेकंड ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में भी ये कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, अर्थात जो सेकंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए भी हमारे पास पांचों प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और पांचवी है हमारे पास कम्यूटेटिविटी। यानी क्या, तो मान लीजिए एफ ये हमारे ऑपरेशन होगी, इसको अपन डॉट के उससे भी लिख सकते हैं। तो ये होगा यदि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होगी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए और एफ के किन्हीं प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए यदि इन दोनों के बीच में दी गई ऑपरेशन लगाए, वापस जो उत्तर हमारे पास आता है यदि वो फिर एफ में है, हम ये कहते हैं कि जो एफ है वो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है। यानी ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाने पर जो उत्तर आता है वो उत्तर वापस यदि एफ का एलिमेंट है तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। दूसरी है हमारे पास एसोसिएटिविटी या सहचारिता जिसको अपन हिंदी में कहें। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के लिए हमारे को तीन एलिमेंट चाहिए कि फॉर ऑल ए बी सी, ए बी सी आर एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ एफ, ए बी सी एफ के किन्हीं तीन अवयवों के लिए यदि हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, पहले किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन, फिर तीसरे के साथ ऑपरेशन और पहला बाद वाले दो के बीच में ऑपरेशन और फिर पहले एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन, ये दोनों लगाने पर यदि हमारे पास आंसर बराबर आता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आती है, तो मैं कहता हूँ एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड। यदि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज ऑलवेज सेटिस्फाइड। अब इसमें जो सबसे बड़ा आता है वो हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जैसे एडिशन के लिए था वहां पर भी है। आइडेंटिटी किसी भी सेट के लिए जो ग्रुप बनता है तो वही होगी, यदि आइडेंटिटी को दी गई ऑपरेशन और कोई एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करने पर वापस रिजल्ट हमारे पास यदि सेम एलिमेंट आता है तो मैं ये कहता हूँ कि वो जो एलिमेंट के साथ जो जिसको लेकर ऑपरेट किया था वो उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो there exists one belongs to F such that, यदि F में one एक ऐसा है कि A into one is equal to A and one into A is equal to, वापस यदि मेरे पास ये आता है तो मैं ये कहता हूँ A one है वो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वैसे हम जानते हैं कि एक से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं उत्तर हमेशा एक आता है, F में यदि one है तो हम कहते हैं कि उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है। चौथी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स, जैसा उसमें था किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाने पर यदि आंसर मेरे पास आइडेंटिटी आता है तो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का इनवर्स कहलाता है। इसके लिए मेरे पास क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहली कंडीशन है एक एलिमेंट ए एफ में इस प्रकार है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, तो फॉर अनदर एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए और बी के बीच में यदि ऑपरेशन लगे तो उत्तर आइडेंटिटी आना चाहिए और आइडेंटिटी है मेरे पास ए। यानी क्या, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए वन आता है तो मैं ये कहता हूँ कि जो ये एलिमेंट बी है ये एलिमेंट इस ए का इनवर्स है जिसको हम कहते हैं बी ए का गुणन प्रतिलोम है। अब जो पांच यदि कोई भी सेट दी गई ऑपरेशन के लिए चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ग्रुप बन जाता है और वही जब आपके पास कम्यूटेटिव ग्रुप बनेगा तो उसके लिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होना जरूरी है। कम्यूटेटिविटी के लिए फिर वो दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन और ऑपरेशन लगाने के बाद उन दोनों का ऑर्डर चेंज करना, यदि आंसर सेम रहता है तो मैं कहता हूँ कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, दैट इज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए दोनों बराबर आते हैं तो हम ये कहते हैं कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। फील्ड होने के लिए तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव का जैसा नाम से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यदि एफ के कोई तीन एलिमेंट हैं उन तीन एलिमेंट में से किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में पहला ऑपरेशन और तीसरे एलिमेंट के साथ एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से यदि सेकंड ऑपरेशन लगाने पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है किस प्रकार से कि मान लीजिए ए बी सी बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए इंटू b
बी प्लस सी को यदि हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ये कहलाता है कि हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी हमने जिस दो एलिमेंट थे उनको किस एलिमेंट के साथ बांटा है वो लेफ्ट में है, तो ये कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो एलिमेंट राइट में है, बी प्लस सी इंटू ए, जिसको हम लिखे बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए या बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए, तो ये आपके पास कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी अब हमारे पास ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, अब फील्ड किसको कहेंगे, यदि नॉन एम्प्टी सेट विद रेस्पेक्ट टू गिवन टू ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, इफ इट इज क्लोज कम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, एंड देन इट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन वी से दैट द गिवन नॉन एम्प्टी सेट F इज ए फील्ड। अब यदि कोई फील्ड है तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमारे पास हमेशा होगी कि इट हैज ए यूनिक एडिटिव इनवर्स, इट हैज ए यूनिक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इट हैज ए यूनिक एडिटिव आइडेंटिटी, इट हैज ए यूनिक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यदि कोई फील्ड है तो वो इन सारी चीजों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये इसको बंद